मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके तो कल हम लोग 27 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, नेवियर स्टॉक इक्वेशन। अब नेवियर स्टॉक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्या करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, कि कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर स्टॉक इक्वेशन दोनों का दोनों मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। अगर नेवियर स्टॉक इक्वेशन का बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सा फोर्स होता है अगर फोर्स कंसिडर करें तो? तो नेवियर स्टॉक इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स और प्लस विस्कस फोर्स। ये तीन फोर्स का एनालिसिस करते हैं किसमें? नेवियर स्टॉक इक्वेशन में, और ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। बर्नौली इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। तो बहुत ही फेमस है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम लोग का यूलर्स इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन मिलता है, और यूलर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही एनालिसिस करते हैं। इस फोर्स में प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को एनालिसिस करते हैं किसमें? बर्नौली इक्वेशन के अंदर, मतलब यूलर्स इक्वेशन में। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इक्वेशन को मिलता है पी अपॉन रो जी वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो इक्वेशन मिला ये बर्नौली इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म क्या प्रेशर हेड है, एक काइनेटिक हेड है, और जेड है पोटेंशियल हेड या डेटम हेड ही बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, किसके लिए अप्लीकेबल है बर्नौली इक्वेशन? तो हम देखते हैं स्टेडी फ्लो होता है बर्नौली इक्वेशन में, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। टर्बुलेंस के लिए तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, और डी ऑप्शन क्या है, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल भी होता है अगर हम देखें बर्नौली इक्वेशन में। तो स्टडी करने से पहले एजम्पशन क्या क्या है, तो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए, और नॉन विस्कस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड फ्लोइंग इन। सर नेक्स्ट पेज में होगा कंटिन्यूअस स्टीम। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो नहीं होता तो हम इनकम्प्रेसिबल की तरफ मूव करते, और इसमें दो ऑप्शन चूज करने का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टडी फ्लो। मतलब बर्नौली इक्वेशन है क्या, किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, और अगर विस्कस नहीं है तो हम लोग इसलिए ना रियल बर्नौली इक्वेशन में दो चीज के लिए पढ़ते हैं, एक बोलते हैं कि आइडियल फ्लूड है, दूसरा रियल फ्लूड। और रियल फ्लूड में हम लोग हेड लॉस देखते हैं तो वहां पे विस्कस कंसिडर करते हैं, लेकिन बस अगर एनालिसिस करना हो तो उसमें तो हम लोग अगर हम बात करें रियल के लिए तो पी वन वी वन जेड वन पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस हेड लॉस कंसिडर करते हैं। तब जब रियल फ्लूड का एनालिसिस करते हैं तब बर्नौली इक्वेशन से, और आइडियल फ्लूड में लोग हेड लॉस कंसिडर नहीं करते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल भी होता है, बट यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा।
क्या भेना कॉन्ट्रैक्टा, तो भेना कॉन्ट्रैक्टा वर्ड कहा कभी सुने आप लोग, इसमें ऑर्फिस में होता है ना भेना कॉन्ट्रैक्टा, ऑर्फिस मीटर में। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम क्या क्या होता है, कहाँ का एप्लीकेशन है, तो बेसिकली तीन एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, एक होता है वेंचुरी मीटर, दूसरा ऑर्फिस होता है और तीसरा पिटोट ट्यूब होता है। तो वेंचुरी मीटर और ऑर्फिस मीटर डिस्चार्ज मेजरमेंट करता है और पिटोट क्या करता है, वेलोसिटी मेजरमेंट करता है। तो एक ऑर्फिस लगा देते हैं यहाँ पे, एक ट्यूब के अंदर पाइप के अंदर लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है उसमें क्या ऑर्फिस लगा दिया और इससे हम लोग उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर रहे हैं और यहां से डिस्चार्ज देखते हैं। तो सेक्शन वन का बात करें तो ये तो पाइप का क्रॉस सेक्शन है और सेक्शन टू का अगर बात करें तो जहां पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है उसी को बोलते हैं भेना कॉन्ट्रैक्टा। जहां पे इसमें मिनिमम क्रॉस सेक्शन जहां शो करेगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें A2 है, अगर यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है तो A1 क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, A2 क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट भेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वो सबसे जो मिनिमम एरिया होता है उसको बोलते हैं भेना कॉन्ट्रैक्टा। और तीसरा अगर हम बात करें यहां का क्रॉस सेक्शन देखें तो इसको बोल देते हैं A0। A0 ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑर्फिस। और यहां से डिस्चार्ज का इक्वेशन अगर हम तो देखें तो आता है सी डी ए वन ए नॉट अपॉन ए वन का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर अंडर रूट टू जी एच। ये इक्वेशन है ऑर्फिस मीटर का डिस्चार्ज मेजरमेंट कर। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है एट भेना कॉन्ट्रैक्टा डायमीटर ऑफ जेट। तो जहां पे लोएस्ट क्रॉस सेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भेना कॉन्ट्रैक्टा है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा डायमीटर सबसे कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से मिनिमम डायमीटर ऑफ जेट इज मिनिमम। हाँ नेक्स्ट टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन। तो बेसिकली चार टर्बाइन बहुत ही फेमस है जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए पहला बात करते हैं पेल्टन टर्बाइन का, पेल्टन टर्बाइन है, दूसरा क्या फ्रांसिस है, तीसरा केप्लन और चौथा प्रोपेलर है। इसी चारों से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी पे थोड़ा सा कंसीडर करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो पेल्टन टर्बाइन, अच्छा इसमें भी दो टाइप का टर्बाइन होता है, एक होता है इंपल्स टर्बाइन दूसरा होता है रिएक्शन टर्बाइन। तो इस चारों टर्बाइन में पेल्टन टर्बाइन जो क्या है इंपल्स टर्बाइन है और ये तीनों रिएक्शन टर्बाइन है। तो पेल्टन क्या है इंपल्स टर्बाइन है और फ्रांसिस केप्लन और प्रोपेलर तीनों का तीनों क्या है रिएक्शन टर्बाइन। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा इसमें से इंपल्स टर्बाइन है, तो पेल्टन क्या है इंपल्स टर्बाइन है। दूसरा इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो से क्वेश्चन बनता है, तो पेल्टन टर्बाइन का टेंजेंशियल फ्लो होता है, फ्रांसिस रेडियल होता है और केप्लन और प्रोपेलर क्या है दोनों का दोनों एक्सियल फ्लो है। तीसरा अगर और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करें तो पेल्टन क्या होता है हाई हेड है, फ्रांसिस मीडियम हेड है और केप्लन और प्रोपेलर क्या लो हेड है। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, पूछेगा केप्लन टर्बाइन क्या है इंपल्स टर्बाइन है रिएक्शन टर्बाइन है, तो आपको दिमाग होना चाहिए कि ये रिएक्शन टर्बाइन है। दूसरा ये फ्लो कैसा है एक्सियल फ्लो है, तीसरा लो हेड है और जिसका लो हेड होगा उसमें क्या होगा जो स्ट्राइक करेगा वाटर उसका स्पीड क्या होगा अधिक होना चाहिए। तो जिसमें भी लो हेड रहता है ना लो हेड टर्बाइन वो क्या होता है उसका स्पेसिफिक स्पीड हाई होता है। तो यहां से अगर पूछे केप्लन टर्बाइन ऑप्शन पूछ दे कि लो स्पेसिफिक स्पीड है कि हाई स्पेसिफिक स्पीड है, तो केप्लन क्या हो जाएगा हाई स्पेसिफिक। तो जो लो जिसका लो हेड है जिस टर्बाइन का लो हेड है उसमें स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा हाई होगा, जिसका हाई हेड है उसका स्पेसिफिक स्पीड लो होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा इससे क्वेश्चन बनता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है फ्रांसिस टर्बाइन इज, देख लीजिए फ्रांसिस क्या है रेडियल फ्लो है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ केप्लन टर्बाइन, आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिए डिग्री मतलब क्या होता है उसका एडजस्ट करने का होता है। केप्लन टर्बाइन में क्या होता है एक ब्लेड जो होता है मूवेबल ब्लेड का,
तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस टर्बाइन के अंदर मूवेबल चाहे एडजस्टेबल एडजस्टेबल ब्लेड होता है, तो कैपलन टर्बाइन के अंदर एडजस्टेबल ब्लेड होता है, और उसका एंगल कहां से कहां होता है, तो उसका एंगल हाफ एंड वन, हाँ इसका एंगल 0.5 डिग्री से देखिए 1 डिग्री के बीच में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 एंड बट लेस देन 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से टर्बाइन ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको नोट करके रखे थे, कौन सा फ्लो किस टर्बाइन के अंदर होता है, हाई हेड है कि लो हेड है, स्पेसिफिक स्पीड क्या हो सकता है, किसका ज्यादा हो किसका कम होगा, इंपल्स कौन है और रिएक्शन कौन है, तो पेल्टन ही इंपल्स है बाकी सब रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्या कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, अब कैविटेशन ये वर्ड जो है बहुत बार देखने को मिलता है लेकिन यहां बहुत कंफ्यूजिंग करता, कैविटेशन होता क्या और डेवलप कैसे होता, तो एक टॉपिक था ना सैफन, सैफन में हम देखते हैं कैविटेशन के बारे में, तो एक कैविटेशन क्या, एक बबल का फॉर्मेशन होता है, और वो क्या होता है, जब बबल ब्लास्ट होता है तो उसके चलते देखते थोड़ा सा समझते हैं। और बीच में क्या, दो रिजर्वायर है, दोनों के बीच में क्या एक बहुत बड़ा सा हील है, कोई भी पहाड़ है और एक यहाँ रिजर्वायर है, इसमें कुछ वाटर का लेवल होगा, यहाँ कुछ वाटर, अब यहाँ से ट्रांसमिट करना है हमको, तो कनेक्ट कर दिए दोनों रिजर्वायर को, ये सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं समिट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको समिट बोलते हैं। अब इस पॉइंट पे जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है ना, ये जो है हिल है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट इसको समिट बोलते हैं, वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर क्या होता है डिक्रीज करने लगता है, और प्रेशर डिक्रीज करता है तो अगर प्रेशर इस पॉइंट का प्रेशर वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाए, अगर इस समिट का बोले पीएस है इस पॉइंट का प्रेशर, और पीएस का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से क्या हो जाए कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर बबल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये बबल जब लो प्रेशर जोन में जाता था ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करने से ही क्या होता है यहां पर कैविटेशन, इस पाइप के क्या पाइप के अंदर कैविटेशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है एरोजन होता है और डैमेज हो जाता है, डैमेज बेसिकली ये डैमेज क्लियर करता है। तो हम लोग कितना हाइट रख रहे हैं यहां से, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कैविटेशन क्यों होता है, तो कैविटेशन लो प्रेशर के लिए होता है, लो प्रेशर जहां होता है ना वहीं पे कैविटेशन होता है, मतलब जब प्रेशर का वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है कैविटेशन होता है, तो यहाँ तो ऑप्शन तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा लो प्रेशर वाला हो जाएगा। दूसरा यहाँ क्या बात कर रहा है कि इस कैविटेशन को बचाने के लिए हाइट कितना रखें, साइफन का हाइट कितना रखें, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो जनरली वेपर प्रेशर कन्वर्ट करें वाटर के टर्म में तो होता है 2.7 मीटर ऑफ H2O, इसलिए लिखते हैं ना एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर का बात करें हम लोग तो वाटर के टर्म में क्या होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O, मरकरी के टर्म में क्या होता है 760 mmHg, ये सब का सब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या सिंपल बात करें तो 1.01325 बार ऐसे लिखते हैं, तो ये सब का सब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ H2O होता है 10.3 और वेपर प्रेशर का निकालेंगे तो 2.7 होता है, तो हमको हाइट निकालना है कि हाइट कितना होना चाहिए जिसके अंदर यहाँ जो
सबमिट का जो प्रेशर है वो क्या वेपर प्रेशर से कम नहीं हो। अगर वेपर प्रेशर से यहाँ इस पॉइंट का वैल्यू, इस प्रेशर का वैल्यू अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो कैविटेशन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, मतलब बबल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां से डिफरेंस देख लेते हैं ना, तो 10.3 माइनस 2.7 मतलब हाइट ऑफ समिट कितना हो रहा है 6 और यहां 9 से 7 मतलब 7.6 मीटर। अगर H2O पास करा रहे हैं तो कोशिश ये रहता है मेरा कि सममिट जो है मेरा अपर रिजर्वायर का जो लेवल है जिससे इसको बोलेंगे ना इनलेट, इनलेट लिम बोलेंगे, इधर एग्जिट लिम है, तो इनलेट लिम में जो वाटर का लेवल है उससे सममिट का हाइट 7.6 मीटर से अधिक नहीं हो। अगर 7.6 मीटर से ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां पे बबल का फॉर्मेशन होगा, जब बबल का फॉर्मेशन होगा तो कैविटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था सेफन के बारे में। और यहाँ पे तो क्यों होता है वो तो क्लियर हो गया कि लो प्रेशर के चलते ही होता है और कोई रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 और तो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो ये तो सबको ही पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू टेंसाइल फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड एक्टिंग एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो पॉइंट दो फोर्स है, एफ वन मान लेते हैं, दूसरा क्या एफ टू फोर्स है, और दोनों एक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो वैल्यू पूछ रहा इसका, ये भी एफ है और ये थीटा जो है 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन क्या बता, रिजल्टेंट पूछ रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन क्या होता था, अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, एफ वन भी एफ है तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ 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 कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 जीरो होता है, टर्म तो जीरो हो गया, और एफ वन एफ एफ क्या हो गया टू एफ स्क्वायर, दैट मीन्स रूट टू एफ, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 यूनिट पूछा रहा है कितना एनर्जी का, तो एनर्जी क्या होता है आप एम बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्या काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एम जी एच और वर्क, और एनर्जी वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं से भी लिख सकते हैं, अगर कहीं से भी निकालेंगे तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करें सपोज दैट, तो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा के जी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से क्या दिख रहा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये हो गया न्यूटन, न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल, तो यहाँ ऑप्शन क्या है जूल ही हो जाएगा, अच्छा न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन है मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो जो लोग एक होता है वाट, पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, एक होता है वर्क बाय टाइम ना, वर्क बाय टाइम होता है, तो वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, टाइम सेकेंड हो गया, न्यूटन मीटर क्या हो गया जूल हो गया, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तो यूनिट थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई यूनिट किसी भी फॉर्म में पूछा।
होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, टेस्ट नंबर 7। ये 6 कंप्लीट हो गया। ये 6 नंबर टेस्ट में मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो चलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, टेस्ट नंबर 7 में। चलिए तो चले नेक्स्ट तरफ। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रहा? फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, नेवियर स्टॉक इक्वेशन। तो नेवियर स्टॉक इक्वेशन जो है, ये बोले ना कि ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, एनर्जी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मन में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टिक कर दें कि फोर्स है तो आपको एनर्जी दिख रहा है, लेकिन ये फोर्स जो है ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट करता है। मतलब इसको आप रिलेट कीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन से, नेवियर स्टॉक इक्वेशन को रिलेट कीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन से, और वहां कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास का ही होता है। बस इसमें कौन कौन सा फोर्स होता है तो वो ध्यान रखिएगा, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस विस्कस फोर्स है, और विस्कस फोर्स को जब हटाएंगे तो क्या बन जाता है, यूलर्स इक्वेशन बन जाता है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सा फोर्स इसमें ऐड होता है। तो यही था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें कि एक कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्वेश्चन नंबर 24, टेस्ट नंबर 7 है। इस टेस्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं ना। क्या क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिक्सचर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन करने के लिए, तो मिक्सचर मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर बात कर रहा ना, एयर फ्यूल का मिक्सचर। तो पहले यहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर किसमें होता, तो ये कार्बोरेटर के अंदर होता। पहले थोड़ा सा और बात करते हैं, बेसिकली दो टाइप का इंजन होता है, SI और दूसरा CI। SI क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, और CI क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बात की SI का, दूसरा CI का। स्पार्क इग्निशन मतलब क्या, पेट्रोल के बारे में बात कर रहा, जितना भी पेट्रोल इंजन होता है सारा का सारा SI इंजन होता है, और जितना डीजल इंजन होता है सबका सब CI इंजन होता है। CI में क्या, CI में स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता, कंप्रेस्ड करके आग लगाते हैं। कुछ कोई बोल रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन नीचे कर दे, क्वेश्चन में 24 तो नहीं कटा हुआ। अच्छा थोड़ा सा ठीक, अब तो दिख रहा होगा 24। तो बात कर रहे हैं SI और CI के बारे में। तो SI क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन, जितना भी पेट्रोल इंजन है सारा का सारा क्या है, SI इंजन है, जितना डीजल इंजन है सबका सब CI इंजन है। बहुत बड़ा हो गया। ठीक है दिख रहा है। बोले थे SI और CI के बारे में, SI और CI, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। पेट्रोल क्या है, SI इंजन है, और डीजल इंजन क्या है, CI इंजन है। तो इस पेट्रोल में ही कार्बोरेटर लगा होता है, और कार्बोरेटर का काम क्या है, एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार करना। यहां जो क्वेश्चन है एयर फ्यूल से क्वेश्चन है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार किस मतलब कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर किसके अंदर लगा होता है, CI के अंदर, SI के अंदर लगा होता है। क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है। तो मिक्सचर ये दो टाइप का तैयार करता है, एक को बोलते हैं लीन मिक्सचर,
तो था रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर। तो नॉर्मल जब गाड़ी चलाते हैं वो लीन मिक्सचर होता है, मतलब इसमें एयर और फ्यूल का अगर रेशियो के बारे में बात करें, एयर और फ्यूल का रेशियो बात करें तो 1:15 अगर 15 से 20 रखते हैं ये क्या है, एयर है और एयर फ्यूल, फ्यूल है। तो एयर फ्यूल का मिक्सचर 1:15 से अबव है वो क्या था, लीन मिक्सचर के अंदर आता। और रिच मिक्सचर में क्या करते हैं, जो यहाँ पे रेशियो को थोड़ा सा और कम कर 10 के आसपास रहता है तो रिच मिक्सचर है, 8:10। क्या रिच मिक्सचर है, जैसे ठंडा के टाइम में जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता तो हम लोग चौक लेते हैं, चौक जब लेते हैं तो क्या होता है वहां रिच मिक्सचर बनाता है, कौन, कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर किसमें होता है, SI में, CI में कार्बोरेटर नहीं लगा रहता। एयर फ्यूल का मिक्सचर जब भी बनेगा पेट्रोल इंजन में बनेगा और SI में ही बनेगा, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा पहले चीज। तो जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता इनिशियली तो क्या करते हम लोग चौक लेते हैं, चौक में क्या करता है वो फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है, और जब फ्यूल सप्लाई बढ़ाएगा तो क्या रिच मिक्सचर बन जाता। तो रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल सप्लाई बढ़ जाएगा, लीन मिक्सचर मतलब मेरा अगर चौक के अंदर गाड़ी चलाएंगे, चौक लेने के बाद अगर गाड़ी चला रहा है तो माइलेज घट जाता है, क्यों घटता है माइलेज, क्योंकि फ्यूल सप्लाई ज्यादा हो रहा। जब फ्यूल सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो फ्यूल अधिक बर्न होगा, अधिक जलेगा, जब अधिक जलेगा तो माइलेज घट जाता है रिच मिक्सचर में। और लीन मिक्सचर में मेरा जो स्पेसिफिक माइलेज है वो माइलेज मेंटेन रखता है लीन मिक्सचर। तो नॉर्मल जब गाड़ी चलाते हैं तो सोचते हैं कि लीन मिक्सचर बना रिच नहीं बना, और यहाँ पे एक्सीलरेट करना तो एक्सीलरेट में अधिक है कि फ्यूल सप्लाई बढ़ाएंगे, तो फ्यूल सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या रिच मिक्सचर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल जब गाड़ी चलाना होगा तो उसमें लीन मिक्सचर ही रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम 4 मीटर स्पैन हैविंग 2 पॉइंट लोड्स, 2 मीटर 2 किलोमीटर 1 मीटर 3 मीटर है ना, फ्रॉम एनी सपोर्ट, किसी एक सपोर्ट से। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, डायरेक्ट रिएक्शन से दिखाते हैं, और यहां पे 2 पॉइंट लोड है, टोटल 4 मीटर स्पैन है, मीटर स्पेन है 2 किलोन्यूटन, और दूसरा अच्छा दोनों 2 किलोमीटर इच, डिस्टेंस 1 मीटर और 3 मीटर सपोर्ट से, 1 मीटर है और 3 मीटर। और फाइनल करना रिएक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, तो आर ए प्लस आर बी इजकल टू टोटल लोड कितना, 2+2 यानी 4 किलोमीटर, क्वेश्चन 1 माने। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, अगर अबाउट ए लेते हैं तो जिस पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी भी पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट निकालेंगे समेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये 2 किलोमीटर में कहां आना, ए पे आना, डिस्टेंस कितना दिख रहा है 1 मीटर, तो 2 × 1 हो गया, क्लॉकवाइज जाएगा प्लस ले लेते हैं, प्लस नेक्स्ट 2 किलोमीटर, ए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, पहुंचना कहां, ए पे, क्योंकि मोमेंट किसके अबाउट निकालना, ए के अबाउट है, तो 2 × 3 हो गया। और ये रिएक्शन क्या, आर बी है और रिएक्शन आर ए है, तो रिएक्शन क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना 4, तो आर बी इंटू 4 इज इक्वल टू 2+6, तो आर बी इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। और वैल्यू, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो यहां से आर ए मिल जाएगा 4-2 = 2 किलोमीटर, तो आर ए और आर बी क्या होगा सेम हो जाएगा। और ये डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये भी 1 मीटर पे है, ये भी सपोर्ट से 1 मीटर पे है, और लोड भी क्या सेम है, इसलिए इतना कैलकुलेट नहीं करना है,
जब लोड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सपोर्ट में क्या होगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं 2 किलोमीटर, बस प्रोसेस यही है फाइंड आउट करने का। क्वेश्चन नंबर 26, डी इज द डायमीटर ऑफ पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील बोले चाहे टर्बाइन बोले, दोनों एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। अभी बताया था ना थोड़ा पहले, पेल्टन व्हील या पेल्टन टर्बाइन। एंड इज द डायमीटर ऑफ जेट, देन द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ ए पेल्टन व्हील। तो बकेट्स निकालना, मतलब कितना बकेट्स रहेगा पेरिफेरी पे, उसका कुछ इक्वेशन है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने का नहीं है। पेल्टन व्हील है या टर्बाइन है, इसमें क्या आर्मेचर लगा हुआ है, इसी को घुमाना है, और ये सब क्या बकेट लगा हुआ है इस तरह का, और यहां से नोजल के थ्रू मतलब पेन स्टॉक से होते हुए यहां से जेट निकल रहा है, जो जाके स्ट्राइक कर रहा है किस पे, बकेट पे, थोड़ा सा नीचे हो गया। नोजल है और ये जाके स्ट्राइक कर रहा, वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा बकेट पे, इस तरह क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा, जब रोटेशन होगा तो इधर जनरेटर का सिस्टम लगा, वहां से करंट प्रोड्यूस होगा, और ये जिसके थ्रू आता है उसको बोलते हैं पेन स्टॉक, जिस हेड से आता है उसको हेड बोलेंगे, और उसमें लॉसेस होगा, तो नेट हेड निकालने का फॉर्मूला था, टोटल हेड माइनस फ्रिक्शन हेड, इससे नेट हेड निकलता है, और वाटर आके जेट के थ्रू बकेट पे टकराएगा, और बकेट पे टकराएगा तो क्या होगा, रोटेशन होगा, रोटेशन से उधर जनरेटर का अपना आर्मेचर लगा होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, एक फंक्शन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका पेरिफेरी पे मतलब सरकमफ्रेंस पे कितना नंबर ऑफ बकेट्स लगाना होगा ऑन द पेरिफेरी ऑफ पेल्टन व्हील। तो इसका इक्वेशन डी अपॉन डी बाय 50 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, डी बाई टू डी प्लस 15, एक डायमीटर इसका, दूसरा डायमीटर बकेट का, और 15 ऐड कर देंगे, तो इससे नंबर ऑफ बकेट्स मिल जाएगा कितना होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स है, सिविल का भी और मैकेनिकल का भी, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, नहीं नहीं 17 भी मैकेनिकल का ही क्वेश्चन है। Which of the following most suitable for stand by power plant? Stand by बोलने का मतलब हुआ कि उसको हम लोग जैसे चाहे मतलब जैसा requirement purpose हो ऐसा use कर सकते हैं, तो इस तरह stand by उसको बोलेंगे ना जो permanent, जैसे मान लें कि अगर अधिक हमको megawatt में बिजली supply करना है तो उसको stand by वाला नहीं हो सकता है, तो छोटा छोटा जो plant होता है वो stand by होता है, तो इसमें हाइड्रोलिक प्लांट भी तो फिक्स्ड है, तो इसमें डीजल पावर प्लांट हो जाएगा, ये डीजल पावर प्लांट जो होता है स्टैंड बाय का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पेट्रोल इंजन के लिए कौन सा साइकिल होगा, पेट्रोल इंजन के लिए तो दो तीन साइकिल है, बात करते हैं पहले ऑटो साइकिल का, ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए बना हुआ, एक होता है डीजल साइकिल तो डीजल डीजल इंजन के लिए है, तो पेट्रोल के लिए ऑटो साइकिल क्या है, सही है, तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा यहाँ से कि ऑटो साइकिल होगा, बट वो देखते हैं क्या होता है ऑटो साइकिल में। अगर इसका हम पीवी डायग्राम देखें तो एक्सप्लेन करते हैं, तो देखिए सिलेंडर है मान लीजिए, और पिस्टन का पोजिशन है, और पिस्टन किससे कनेक्ट रहेगा, क्रैंकशाफ्ट से, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट से रहेगा, सिलेंडर है और सिलेंडर का मूवमेंट हो रहा है, और यहां पीपी डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑटो साइकिल को। अब यहां पे वाल्व लगा रहता है, अब वाल्व को ऑपरेट कौन करता है, तो क्रैंकशाफ्ट करता है, तो वहां तक अभी मत जाइए, यहाँ पे बस समझिए कि वाल्व लगा हुआ है, इनलेट वाल्व है, एग्जिट एग्जॉस्ट वाल्व है, एक है इनलेट वाल्व और दूसरा
एग्जॉस्ट वाल्व है, और सिलेंडर क्या होता है, यहां रहेगा तो बोलते हैं टीडीसी, इस पर रहेगा तो बोलते हैं बीडीसी, टॉप डेड से बॉटम डेड की तरफ मूव करता, और ये जितना दूर में मूव करता है इसी को बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम, और ये इसी का वॉल्यूम बाइक के ऊपर लिखा जाता है कि कितना सीसी का बाइक है, अगर लिखा हुआ है 200 सीसी का बाइक है, चाहे कोई इंजन है 200 सीसी का, दैट मीन स्विफ्ट वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में वो वैल्यू दिया हुआ। अगर यहां से हम बात करें स्विफ्ट वॉल्यूम निकालने के, सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, डी क्या है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, अच्छा डी है डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, तो ये जो वैल्यू आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीसी। ये हो गया स्विफ्ट वॉल्यूम के बारे में। अब पिस्टन का पोजीशन इनिशियली में इस पोजीशन में, चलो इसको वन पॉइंट ले लेते हैं, तो इस समय क्या होगा, वाल्व ओपन होगा और एयर फ्यूल का मिक्सचर, कहां था एयर फ्यूल का मिक्सचर, कार्बोरेटर के अंदर जो बना हुआ था वो एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर सक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सक्शन के बाद क्या करते हैं, वाल्व क्या करता है, कैम, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से डिवाइस लगाया है कैम शाफ्ट। जब सक्शन हो जाएगा मतलब पिस्टन टॉप से कहां पहुंच जाएगा, बॉटम की तरफ, उस समय क्या होगा, वाल्व क्लोज जाएगा, तो इसके अंदर क्या आ गया, अभी एयर फ्यूल का मिक्सचर आ गया ड्यूरिंग सक्शन प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन करेंगे इसको, मतलब पिस्टन फिर बीडीसी से कहां ले जाएंगे, टीडीसी, तब बीडीसी से टीडीसी ले जाएंगे तो क्या होगा, एयर फ्यूल क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। फिर से देखिए, समझिए इसको कि हो क्या रहा। अभी मान लेते पिस्टन टॉप पे है इस पॉइंट पे, अब पिस्टन को ले जा रहा है पीछे, जब पीछे आएगा बीडीसी पे जाएगा, उस समय क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसा रहेगा, और यहां पे इस तरह का वाल्व लगा रहेगा। जब पिस्टन टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा उस समय इनलेट वाल्व ओपन होगा और इसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर आ जाएगा सिलेंडर के अंदर, इसको बोलते हैं सक्शन प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, वाल्व को क्लोज कर देते हैं और पिस्टन को फिर बीडीसी से कहां लेते हैं, टीडीसी, तो कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये मान लीजिए वन है, दूसरा पॉइंट टू, कंप्रेशन हो गया। अब आफ्टर कंप्रेशन यहां पे स्पार्क प्लग लगा रहा था, इससे क्या करता है, स्पार्क को देते हैं, तो स्पार्क देंगे तो क्या होगा, सारा का सारा फ्यूल जल जाएगा, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, मतलब पिस्टन को रोक दिया यहीं पे तो क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और यहां पर क्या हीट एडिशन कर दिए। अब सारा का सारा जब फ्यूल जल जाएगा तो क्या होगा, वो और अधिक प्रेशर क्रिएट करेगा, और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। ये था वन पॉइंट, दूसरा टू है, और टू से थ्री हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन हो गया। अब हीट जब एडिशन करेंगे सारा का सारा फ्यूल जलेगा, फ्यूल जब जलेगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए प्रेशर और राइज कर दिए, टू से अधिक है ना प्रेशर, यहाँ का प्रेशर पी टू है, इस पॉइंट का प्रेशर पी थ्री है, प्रेशर बढ़ गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ए पिस्टन को धक्का देगा, तो पिस्टन कहां जाएगा, टॉप से कहां जाएगा, बॉटम की तरफ, तो बोलते हैं एक्सपेंशन हो गया, इससे प्रेशर क्या होगा, कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डाउन होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद फिर पिस्टन, उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं और जो भी एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकलता है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो ऑटो साइकिल को बोल सकते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इसका दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो यहां से हीट का रिजेक्शन हो रहा है और दोनों का दोनों कंप्रेशन और एक्सपेंशन, या कंप्रेशन हुआ या एक्सपेंशन हुआ, दोनों का दोनों एडियाबेटिकली होता है। और यहां से इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है,
क्या था, फाइंड आउट करने पर 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर गामा माइनस 1। ये ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहाँ पे आर क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो तो क्या हो जाएगा, ये वी वन है और दूसरा क्या है, ये वी टू है, तो वी वन अपॉन वी टू। तो यहां से कंप्रेशन रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम वी वन क्या है, टोटल वॉल्यूम अपॉन वी वी टू क्या है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, वी सी टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, ये तो क्या है वी सी है, ये है वी सी, तो टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं यहां से वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं वन प्लस वी एस बाय वी सी। तो कंप्रेसर रेशियो का वैल्यू हमेशा वन से ज्यादा ही होता है, होता क्या है टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, और एक किसका है एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ऑटो साइकिल का, तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एफिशिएंसी का। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, हीट का एडिशन रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, और एक किसके लिए बना हुआ है, तो पेट्रोल साइकिल है, मतलब पेट्रोल इंजन के लिए ऑटो साइकिल। क्वेश्चन नंबर 29, वाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर फिर से आ गया सोमा क्वेश्चन, देखते हैं एक कैंटिलीवर बीम है 4 मीटर स्पैन है, इसका वैल्यू है 4 मीटर, हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कितना, कोई गाना सुन रहा क्या, 3 किलोमीटर पर मीटर का क्या है, कैंटिलीवर बीम है लेंथ उसका 4 मीटर है और यूडीएल का जो है वैल्यू है वो 3 किलोमीटर पर मीटर है और पूछ रहा है इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अगर डायग्राम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अबाउट फिक्स क्या हो जाएगा, मोमेंट का वैल्यू भी पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट का, तो 3 × 4 और यूडल क्या करता सेंटर में करता, सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा 4/2, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट, कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स्ड एंड के अबाउट ही होता है, तो फिक्स्ड एंड के अबाउट मोमेंट निकाल लेते हैं, तो 3 × 4 क्या हो गया लोड हो गया, अब ये फोर्स कहां एक्ट करेगा सेंटर पे, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना जाएगा 4/2, दैट मींस 12 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहे तो निगेटिव में होता है, एक्चुअल में हॉगिंग होता है, इसलिए निगेटिव लेते हैं, और ये डायग्राम मैक्सिमम यहां हो रहा है, तो ये डायग्राम ऐसे बने, क्या शो कर रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फोर्स मतलब ब्रेक यहां से करेगा ज्वाइंट से, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहीं पर ज्वाइंट होता है, वहीं से ब्रेक करने का चांस होता है, और वैल्यू हो गया 12 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम अगर बनाना चाहे तो क्या, आवाज नहीं आ रही, अच्छा 24 होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना प्रॉब्लम होगा, 24 होगा, 24 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो कैंटिलीवर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं फिक्स, अगर ये सिंपली से बड़े क्वेश्चन होता तो निकालना पड़ता है कहां पे मैक्सिमम होगा, फिर वहां उस पॉइंट का हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना होता, लेकिन कैंटिलीवर में भी ये क्लियर है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा फिक्स एंड के अबाउट ही होगा, इसलिए डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये कर्व बनता है पैराबोलिक कर्व है,
हाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर अगर यूडीएल है पूरा स्पेन पे, सपोज दैट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरा स्पेन पे यूडीएल है, मान लें डब्ल्यू यूनिट पर रन जो भी है, जैसे किलोमीटर पर मीटर जैसा भी है, तो अगर बेंडिंग मोड निकालते हैं तो ये इसका इसका बेंडिंग मोड मैक्सिमम कहाँ होगा, सेंटर में होता है, और एक इक्वेशन होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट बेंडिंग मोड। तो दिखा देते हैं इसको कैसे आता, देख लीजिए। सपोज दैट सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरा बीम पे क्या यूडीएल है, डब्ल्यू ही ले लेते हैं, और इसका लेंथ जो है एल मान लेते हैं, एल लेंथ है, ये ए है, दूसरा बी पॉइंट है, तो यहाँ से निकालना होगा आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा टोटल लोड, तो डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, और दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए आर ए आर बी बराबर होगा, चाहे तो मोमेंट निकाल के आप देख सकते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं, इसलिए डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर टू डब्ल्यू एल बाई टू, अगर निकालने का मतलब निकाल भी सकते हैं कि कैसे आ रहा डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन। अब इसके बाद सिंपली सपोर्टेड सॉरी शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो शियर फोर्स एट ए, ए पॉइंट बात करते हैं, रिएक्शन कहां जा रहा अपवर्ड, तो उसको प्लस मान लेते हैं फिलहाल, डब्ल्यू एल बाई टू हो गया। अब आता है शियर, बीच में कोई पॉइंट है नहीं, चाहे तो सेक्शन काट भी बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। शियर फोर्स एट बी, तो बी पे दो दो बार कंसीडर कीजिएगा, बी मतलब क्या है, बी पे पहुंचने के लिए बीच में क्या रहा है यूडीएल लग रहा है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी वन कर देते हैं, मतलब बी वन दैट मीन्स अभी बी पे पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, तो ए से बी जाने में कितना लोड यूज हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितना था डब्ल्यू एल बाई टू था, लेकिन यहां से यहां जाने में कितना लोड लग रहा है डब्ल्यू इंटू एल, तो मेरे पास बैलेंस क्या है डब्ल्यू एल बाई टू और यूज कितना हो गया डब्ल्यू इंटू एल, सॉल्व किया कितना है माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। अब शियर फोर्स यहाँ बी टू लिख रहे हैं, और ध्यान देखिएगा बी टू यानी रिएक्शन वर्क कर रहा, तो मेरे पास यहाँ क्या है डब्ल्यू एल बाई टू है और रिएक्शन का जरा अपवर्ड जा रहा है ना, तो प्लस कर दे, अपवर्ड को प्लस मार रहा है ना, तो डब्ल्यू एल बाई टू वैल्यू कितना हो गया जीरो। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करें हम शियर फोर्स डायग्राम, तो ए पॉइंट पे क्या है डब्ल्यू एल बाई टू, तो यहाँ क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू, बी पॉइंट पे क्या है माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो नीचे आएगा माइनस, और फिर क्या है जीरो है, बस डायग्राम मिला दीजिए डायरेक्ट, ये किसका शियर फोर्स डायग्राम है, और जहां शियर फोर्स डायग्राम जहां जीरो होता है ना, जहां अपना साइन चेंज करता है वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये क्या है डब्ल्यू एल बाई टू है, और ये भी क्या है डब्ल्यू एल बाई टू, निगेटिव नहीं लिखते, निगेटिव यहाँ यहाँ शो कर रहा है निगेटिव और पॉजिटिव, वैल्यू में निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखते, और ये दोनों क्या दिख रहा है ट्रेंगल है और सिमिलर ट्रेंगल है, तो सिमिलर ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अगर मान लो डिस्टेंस एक्स है तो एडिशन क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस एल है ना, और यहाँ सिमिलर ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा लेंथ जरा ना, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू अपॉन एल माइनस एक्स, तो कैंसिल हो गया एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, तो एल इक्वल टू टू एक्स दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एल बाई टू, ये तो क्लियर हो गया कि सेंटर पे जीरो है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा एल बाई टू, और जहां जीरो होगा वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो सेंटर पॉइंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, तो इस पॉइंट को सी बोल देते हैं और बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालते हैं, तो या तो लेफ्ट वाला ले तो राइट वाला, चलिए लेफ्ट वाला लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट सी यहां का इस पॉइंट का, और ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू है, एल बाई टू, तो इससे लेफ्ट में देखिए क्या क्या है, पहला रिएक्शन है, रिएक्शन का वैल्यू कितना है W L by 2, इस बार मोमेंट अबाउट C निकाल रहा है ना, तो C तक जाने में डिस्टेंस कितना है इसका L by 2, और क्या UDL भी तो है, तो माइनस कितना है W into L by 2,
और ए यूडीएल अपना सेंटर पे एक्ट करेगा, जितना दूर का यूडीएल लेंगे ना वो अपना सेंटर में एक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस एल बाई टू है और उसका सेंटर क्या है एल बाई फोर। सॉल्व करते हैं इसको, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, एलसीएम लेंगे एट हो जाएगा, टू डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, दैट मीन्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो और पूरा इंटायर लेंथ पे अगर यूडीएल लग रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। और कैसा बनेगा, पाराबोलिक बनेगा। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो बनेगा पाराबोलिक। पाराबोलिक क्यों बनता है, स्क्वायर है ना, और स्क्वायर किसका था, पाराबोलिक इक्वेशन में था। जैसे y is equal to mx plus c किसका है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और y is equal to mx square plus c किसका है, पाराबोलिक इक्वेशन है। तो जहां स्क्वायर आ रहा ना, अगर x था तो x स्क्वायर था, l है तो l स्क्वायर आ, इसलिए स्क्वायर है इसलिए पाराबोलिक कर्व बनता है। और ये मैक्सिमम हो गया w l स्क्वायर बाई एट। एक कर्व के बारे में पूछ सकता है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर तो आ चुका था पहले 24 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिविल का देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following is based on the first law of thermodynamics? Question number 31. So first law of thermodynamics kya tha? सिस्टम से बाहर का था सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से सिस्टम में जितना हीट सप्लाई किया जाए सिस्टम भी सराउंडिंग पे उतना ही वर्क करे। और सिंपल सा डिफिजन है, किसी सिस्टम में सराउंडिंग से जितना हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम भी सराउंडिंग के ऊपर उतना ही वर्क करेगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा क्या हो सकता है, इनर्जी का कंजर्वेशन है, या हीट किसमें कन्वर्ट हो रहा, वर्क में। तो जैसे डिफिनेशन पहले से पढ़ते आ रहा है एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही यहां भी हो रहा कि जो हीट है वर्क में कन्वर्ट होता। तो यहां से अगर इक्वेशन लिखा जाए तो डी क्यू मतलब चेंज इन हीट है, और इंटीग्रेशन मतलब टोटल के लिए, और सर्कल बनाया मतलब क्लोज साइकिल की बात कर रहे हैं, किसी भी क्लोज साइकिल में। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। और इसका जवाब एप्लीकेशन भी करते हैं, बीच में कुछ लॉस हो रहा है इंटरनल एनर्जी के रूप में। ये क्या प्रोसेस वन टू का बीच में हीट है, और ये वन टू क्या इंटरनल एनर्जी है, और ये वर्क डन है। अब यहां पे समस्या आ रहा है, इसको वन टू ऐसे क्या लिख रहे हैं, तो हीट और वर्क पाथ फंक्शन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। बाकी जितना भी है सब का सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन कि पाथ फंक्शन कौन सा है, पॉइंट फंक्शन कौन सा है। तो पाथ फंक्शन को हमेशा, इसको पाथ फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते Q2 माइनस Q1, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। पाथ को हमेशा पाथ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हीट और वर्क को वन टू में दिखाएं। ये एप्लीकेशन है और स्टेटमेंट से यही क्वेश्चन आया, दिख क्या रहा है कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है। अब आते हैं ऑप्शन पे, क्या ऑप्शन है, पास्कल लॉ है प्रेशर के बारे में, डाल्टन्स लॉ तो मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, गैस के बारे में लॉ है, एवोगाड्रो लॉ ये तो आ गया मॉलिक्यूल्स के बारे में दे रहा लॉ। ऑप्शन नंबर डी क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी है कंजर्वेशन हो रहा, फॉर्म चेंज कर रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर सेकेंड लॉ पूछे तो सेकेंड लॉ से क्या निकलता है, एंट्रोपी निकलता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ से एनर्जी का लॉ है, सेकेंड क्या है एंट्रोपी है, अगर पूछे जीरोथ लॉ तो टेम्परेचर के बारे में बताता है। तीनों से एक क्वेश्चन आता है, जीरोथ लॉ पूछे तो टेम्परेचर का एनालिसिस है,
फर्स्ट लॉ बोले तो एनर्जी कंजर्वेशन है और सेकेंड लॉ बोले तो एंट्रोपी। ये तीनों से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बाकी आप लोग का किस्मत क्या आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज इन स्टीम पावर प्लांट। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टीम पावर प्लांट। अच्छा सब साइकिल थोड़ा बारे में बात कर लेते हैं। ऑटो साइकिल अभी बताए थे ना किसके लिए था, ऑटो साइकिल कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है, हीट का एडिशन रिजेक्शन पीवी डायग्राम से रिप्रेजेंट किए थे, किसके लिए था, पेट्रोल के लिए था। अगर बात करें डीजल साइकिल में तो ये डीजल साइकिल है, इसमें हीट का एडिशन किसमें होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, रिजेक्शन तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही हो रहा है, लेकिन एडिशन किसमें हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में। और यहां ऑटो साइकिल में क्या था, एडिशन और रिजेक्शन दोनों का दोनों कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था, ठीक है। तीसरा था डुअल साइकिल, अगर डुअल साइकिल के बारे में बात करें तो दोनों को मिला दीजिए, ऑटो डीजल को मिला दीजिए, डुअल बन जाएगा, डुअल साइकिल है। यहां हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होगा और एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी होगा, रिजेक्शन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो ऑटो था, ए डीजल है, ए डुअल, तीनों साइकिल के बारे में मतलब पता होना चाहिए। अब इसके आगे क्या है, कारनॉट। कारनॉट क्या होता है, हाइपोथेटिकल साइकिल है, इसका हम लोग यूज कहीं पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी कारनॉट का ही होता है। अगर कारनॉट का टीएस डायग्राम दिखाते हैं थोड़ा अच्छा से दिखेगा, टीएस डायग्राम तो दो तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, दो कांस्टेंट एंट्रोपी होता है। यस क्या एंट्रोपी, टी टेम्परेचर है, अगर यहां 1, 2, 3, 4 का बात करें तो एडिशन यहां हो रहा और रिजेक्शन कॉन्स्टेंट। अब इसलिए यूज नहीं होता कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन और रिजेक्शन के बारे में बात कर रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करके हीट का एडिशन और रिजेक्शन करना बहुत ही स्लो प्रोसेस में करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो पॉसिबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पर कोई इंजन बना नहीं है, बस ये हाइपोथेटिकल है। इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है कारनॉट साइकिल का, कहीं पर यूज होता नहीं है कारनॉट साइकिल, ये बोला कारनॉट साइकिल। कारनॉट में देखा दो ठो कांस्टेंट टेम्परेचर है और दो कांस्टेंट एंट्रोपी है, मतलब यहाँ पे S2 बराबर S3 है और यहाँ S1 इक्वल टू S4 है और यहाँ T2 इक्वल टू T1 है और यहाँ T3 इक्वल टू T4 है, तो कारनॉट का हो गया। तीसरा क्या, रैंकिन साइकिल। तो पावर प्लांट में यही रैंकिन साइकिल यूज होता है, अब थोड़ा बात करेंगे रैंकिन साइकिल के बारे में। तो रैंकिन साइकिल पावर प्लांट के लिए होता है, वो होता कैसे चलते हैं उस पर। रैंकिन साइकिल टीएस डायग्राम है और ये रीजन शो कर रहा है, ये रीजन ऐसा क्यों बन रहा है ना, टेम्परेचर जैसे से बढ़ाते जाएंगे ना, अच्छा पहले थोड़ा समझ लेते हैं है क्या। इस रीजन के अंदर जो स्टीम रहेगा लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में रहेगा, इस रीजन से बाहर अगर बात करेंगे तो इधर जो रीजन है वो वेपर फॉर्म में और इस रीजन में लिक्विड फॉर्म में, मतलब वाटर को ही स्टीम में कन्वर्ट करना मेन काम ही है, तो वाटर का लिक्विड फॉर्म को इस रीजन में दिखा रहा है और वेपर फॉर्म इधर है, और जो इंटरमीडिएट है क्या इसको बोलते हैं वेट रीजन, बोलना और बोलेंगे इसको वेट है मतलब गीला है, इसमें क्या है लिक्विड है प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर रहता है। अब यहां देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या होगा, वो टाइम कम लगेगा ना, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसे यहां से क्या हो वाटर एंट्री करे और तुरंत वेपर बन जाए। इस पॉइंट पे मान लें कि यहां से लिक्विड फॉर्म में एंटर किया, कुछ टाइम लग रहा, उसके बाद वेपर बन रहा, यहां पे आए तो
तो ये क्या है, लिक्विड इंटर किया और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा, कन्वर्ट होते होते कहां वेपर पहुंचा और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हो रहा, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए एक तो ऐसा पॉइंट आया जहां से लिक्विड इंटर किया तुरंत क्या वेपर बन गया, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसलिए सारा पॉइंट को मिलाया तो एक क्या हुआ, एक कर्व मिला, एक रीजन शो करने के लिए कर्व मिला। अब इसी कर्व पे हम लोग एनालिसिस करेंगे रैंकिन साइकिल का। रीजन है क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ रैंकिन साइकिल मतलब पावर प्लांट में बेसिकली चार कंपोनेंट होता है ना, अगर मान लीजिए बॉयलर, अगर हम थर्मल पावर प्लांट का बात करें तो पहले बॉयलर, बॉयलर क्या करेगा, इसमें लिक्विड आएगा उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा और नोजल के थ्रू कहां भेजेगा, टर्बाइन के पास। और टर्बाइन से क्या मिलेगा, हमको वर्क मिल जाएगा, डब्ल्यू टी लिख देते हैं टर्बाइन में। अब जो स्टीम निकलेगा वो कहां जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर करेगा उससे लेटेंट हीट को निकाल देगा और फिर से उसको लिक्विड बना देगा और वो लिक्विड कहां आएगा, पंप के पास, हीट पंप। फीड पंप पे हमको वर्क क्या देना पड़ता है, डब्ल्यू पी लिख दिए फीड पंप, और बॉयलर में भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा इसलिए क्यू लिख दिए। तो क्यू ए हीट का एडिशन और क्यू आर हीट का रिजेक्शन, डब्ल्यू टी टर्बाइन वर्क, डब्ल्यू पी पंप वर्क, ये चार कंपोनेंट है। कैसे वर्क करता होगा, तो बॉयलर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फीड पंप से वाटर फीड करेंगे और वाटर को उसमें हीट सप्लाई करेगा जिससे वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम जब निकलेगा किसी नोजल के थ्रू जाएगा, नोजल कंपोनेंट वो मेजर कंपोनेंट नहीं, इसलिए नहीं बना, नोजल क्या करेगा उसका वेलोसिटी बढ़ाएगा और उसका हाई वेलोसिटी से टर्बाइन ब्लेड पे टकराएगा और टर्बाइन ब्लेड जब रोटेट करेगा, इधर जनरेटर का अपना फंक्शन लगा होगा, यहां से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और वो स्टीम फिर कहां जाएगा, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करेगा उसको, उस वेपर को फिर से स्टीम में चेंज करेगा, वही सॉरी स्टीम को फिर से लिक्विड में चेंज करेगा और उस लिक्विड कहां भेजेगा, पंप में, पंप फिर सप्लाई करेगा बॉयलर में। तो ये साइकिल हो गया। अब ये साइकिल को यहां रैंकिन साइकिल में दिखा रहा है कि टीएस डायग्राम में कैसे होता है, टीएस डायग्राम। तो बॉयलर के अंदर जो लिक्विड गया वो किस रीजन में होगा, लिक्विड रीजन में होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट क्या, लिक्विड रीजन है, लिक्विड रीजन में भी। अब बॉयलर क्या करेगा, उसको कॉन्स्टेंट प्रेशर पे उस स्टीम को, उस लिक्विड को स्टीम में चेंज करेगा। अब धीरे धीरे चेंज होगा, डायरेक्ट चेंज होगा नहीं, कुछ टाइम लगा। अब ये लिक्विड कैसा स्टीम बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि लाइन कहां तक जाएगा। हम तीनों पॉइंट दिखा रहे हैं, तीनों पॉइंट मतलब अगर बॉयलर उसको वेट स्टीम बनाया तो ये लाइन यहीं तक रहता, अगर ड्राई बनाता तो यहां तक आता और सुपर हीटेड यहां पर। समझ लीजिए इस तीनों पॉइंट। वेट स्टीम बोलने का मतलब है उसके अंदर क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है। तो लिक्विड प्लस वेपर है तो इस रीजन में ही दिखाते थे लिक्विड प्लस वेपर को, तो वेट रीजन बोलेंगे इसको। अगर हम बोले ये वन पॉइंट है, चाहे इसको बोलते वन है, ये वन है और ये वन डैश कर देते हैं, इसको डबल डैश कर देते हैं, तो अगर हम बोले बॉयलर अगर ड्राई स्टीम बनाया तो ये वन पॉइंट यहां हो गया, अगर बोलेगा बॉयलर सुपर हीटेड स्टीम बनाया तो यहां जाएगा, अगर वेट बनाएगा तो इस वन डैश वन डबल डैश पर आएगा। अब ये कहां गया, टर्बाइन में, जब टर्बाइन में टकराएगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा, प्रेशर भी डाउन होगा। अगर वेट ले तीनों से, अब कौन सा स्टीम है उस पर डिपेंड करता है, किस टाइप का स्टीम बॉयलर के द्वारा बनाया गया और टर्बाइन में अगर ड्राई है तो
तो यहां से लेंगे, अगर मान लीजिए क्या वेट है तो वन डबल एस है और सुपर है तो वन डैश है। फिर कहां गया कंडेंसर में, कंडेंसर क्या करेगा उसको लिक्विड में चेंज करेगा, लिक्विड की तरह इधर है तो यहां आ जाएगा लिक्विड। और फिर वो लिक्विड कहां जाएगा पंप में, पंप करेगा कहां भेजेगा बॉयलर में। तो अगर नेमिंग करें ये वन है, ये टू है, ये थ्री पॉइंट है, ये फोर है, तो इस तरह बार बार साइकिल होगा। तो वन है, सॉरी वन तो यहाँ वन से टू टर्बाइन है ना, तो वन से टू क्या हो गया टर्बाइन हो गया, टू से थ्री क्या है कंडेंसर है, थ्री हो गया, और थ्री से फोर क्या है पंप है, तो फोर पॉइंट हो गया। तो फोर से वन तक ये पूरा का पूरा लाइन क्या बॉयलर का लाइन है, ये वाला टर्बाइन का है। अगर हमसे बोले कि ड्राई, अगर समझ रहे ड्राई स्टीम बना तो साइकिल क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा वन टू थ्री फोर वन। अगर वेट के लिए बात करें इसको टू डबल डैश कर देते हैं, इसको टू डैश कर देते हैं, तो वन डैश नहीं डबल डैश ना वेट में टू डबल डैश थ्री फोर वन डबल डैश। अगर सुपर हीटेड तो उसके लिए साइकिल कौन सा हो जाएगा वन डैश टू डैश थ्री फोर वन डैश वन डैश। तो ये तो हो गया साइकिल के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं इसका इफिशियंसी, फिर से एक बार देख लीजिए, चार कंपोनेंट है बॉयलर टर्बाइन कंडेंसर और फीड पंप। बॉयलर के अंदर लिक्विड जाएगा इसलिए लिक्विड रीजन में है, और इसको फोर से लेकर वन तक क्या है बॉयलर ही है, तो बॉयलर उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, तो स्टीम अगर ड्राई है तो यहाँ तो वहां ड्राई वाला लाइन को टच कर गया, इसको बोलते हैं ड्राई सैचुरेशन लाइन, यहाँ टच कर गया। उसके बाद कहाँ गया टर्बाइन में, जब टकराया टर्बाइन में टकराया तो क्या हो गया उसका टेम्परेचर भी डाउन होगा प्रेशर भी डाउन होगा, एक कॉन्स्टेंट इंट्रोपी पे होता था, कॉन्स्टेंट इंट्रोपी पे। तो यहाँ से टर्बाइन वर्क मिल गया, और फिर कहाँ गया कंडेंसर में, कंडेंसर क्या उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया, लिक्विड इधर है इसलिए लिक्विड के पास आया, और फिर क्या फीड पंप है, तो फीड पंप देखो वर्क जब भी हो रहा है ध्यान रखिएगा कॉन्स्टेंट इंट्रोपी पे ही वर्क हो रहा। अब थोड़ा देख लेते हैं इसका इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। तो इफिशियंसी क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या वर्क है, तो नेट आउटपुट अब भाई हीट सप्लाई, हीट सप्लाई। तो अब क्या देख रहे हैं नेट, यहां से क्या मिला टर्बाइन वर्क, लेकिन कुछ उसमें से क्या पंप में यूज कर दे रहे हैं, टर्बाइन से जो हमको वर्क मिल रहा है उसका कुछ पोर्शन वर्क में यूज कर दे रहे हैं, तो नेट वर्क क्या हो जाएगा डब्ल्यू टी टर्बाइन वर्क माइनस डब्ल्यू पी, बहुत ही माइनर होता है बट यहां पर दिख रहा है ना कि पंप में यूज कर रहे हैं। हीट सप्लाई कहां कर रहे हैं बॉयलर में, तो क्यू ए लिख देते हैं। अब थोड़ा देखते हैं यार टर्बाइन, टर्बाइन के अंदर क्या है यहां से एच वन इसको बोल रहे हैं, इसको एच टू इंथैल्पी की टर्म में ले रहे हैं, ये एच थ्री है और ये इस पॉइंट पे एच फोर है। तो देखिए यहां से इनर्जी को बैलेंस कीजिए, तो एच वन इंटर कर रहा तो क्या मिल रहा है डब्ल्यू टी प्लस, तो एच वन इज इक्वल टू एच वन इंटर कर रहा है यहां से किससे बॉयलर के थ्रू होके, तो एच वन इंटर किया तो क्या मिला डब्ल्यू टी प्लस एच टू, डब्ल्यू टी प्लस एच टू, तो यहां से डब्ल्यू टी टर्बाइन और क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच टू, डब्ल्यू टी आते हैं डब्ल्यू पी में। पंप में क्या दिख रहा है एच थ्री इंटर कर रहा और डब्ल्यू पी भी इंटर कर रहा, तो मिल क्या रहा एच फोर। तो अगर पंप के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा एच थ्री प्लस डब्ल्यू पी, दोनों का दोनों इंटर कर रहा है ना पंप में, आउटपुट क्या हो रहा है एच फोर, बस खाली इनर्जी को बैलेंस करना एच फोर। तो यहां से डब्ल्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच फोर माइनस एच थ्री। बॉयलर में क्या दिख रहा कि एच फोर इंटर कर रहा तो एच फोर प्लस क्यू वन दोनों इंटर कर रहा निकल क्या रहा एच वन, तो यहां से क्यू ए को लिख सकते हैं एच वन माइनस एच फोर, सारा वैल्यू को आप पुट कर देंगे फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो डब्ल्यू टी क्या है एच वन माइनस एच टू, डब्ल्यू पी एच फोर
माइनस ये ना हो रहा है, एस फोर मिल रहा था ना तो उधर जाएगा, ठीक है, S4 माइनस S3 इंटर कर रहा दोनों का दोनों, ठीक है, अपॉन QA S1 माइनस S4। ये तो क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला रैंकिन साइकिल का। अगर इसमें अगर बोल दे पंप वर्क को नेगलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4। और H4 को HF3 भी लिखते हैं, वो टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि वो रीजन में देखने थ्री लिखने F लिखने का मतलब क्या है कि जो F है ना वो अच्छा थोड़ा थोड़ा I सॉलिड को दिखाता है, F लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है और G जो है वेपर को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं कहीं लिखा था यहाँ पे F लगा हुआ था तो टेंशन मतलब लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा और कुछ नहीं। तो पूरा एनालिसिस तो हो गया, तो पावर प्लांट के लिए रैंकिन साइकिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकेनिकल का देखिए, टाइम है कितना, 7 बजे जाना, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू किया जाएगा।